मंडी ऊपर है, मैं देख रहा हूँ। माशाल्लाह थोड़ी तेजी है अभी। माशाल्लाह तेजी है। हाँ माशाल्लाह भाई कह रहे हैं माशाल्लाह तेजी है। हाँ सही जा रहे हो। जैसा नहीं है अभी थोड़ा। हाँ पहले थोड़ा ऊपर है अभी। क्या पैसा क्या मांग रहे हो? एक बीस भाई, इसके एक बीस मांग रहे हैं भाई। ठीक है भाई, दातों में दो बेहतरीन। ठीक है भाई, ये जिसने 138 में लिया है, 138,000 में। ठीक है भाई माशाल्लाह। छः वाला ये? हाँ वो वाला छः है। ये वाला ग्यारह चार दांत है। हाँ 3.5 दिन के मेरे ऊपर है बाबा। मतलब बढ़ा दिया तुमने रेट ऊपर। क्या सीन है अभी माल? रेट ऊपर ही रहेंगे? ऊपर रहेंगे। खुश हो तुम? तो वजह क्या है, वजह तो बताओ कोई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं सरायपुर मवेशी मंडी में। आज कुछ 17 जुलाई है और मंडी में आ गया हूँ मैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अब ये है कि माल जो है पहले से कम होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब ये है कि कल परसों की दिन काफ़ी परचेजिंग हुई, लोगों ने काफ़ी माल यहाँ से जो है ख़रीदा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वही जनरल ब्लॉक है जहाँ से सौदे वगैरह बंद रहते हैं। मैंने भी यहीं से पीछे से जो है अपना जो है कुर्बानी का जानवर यहीं से परचेज़ किया। इंशाल्लाह उसकी जो है फुल वीडियो जिसमें रेट वगैरह जो है, मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को ज़रूर बना के एक आध दिन में दिखाऊंगा। ठीक है भाई, बाकी मंडी की पोजीशन बता देता हूँ कि मंडी में ये है कि रेट वगैरह का जहाँ तक अभी मैंने एक आध के लिए हैं तो इतने मुझे खास कोई नॉर्मल नहीं लगे, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यार मंडी गिर गई है कुछ ये बारिश के बाद। क्योंकि मैंने जब जिस दिन जानवर लिया उस दिन रात को ही बारिश हुई है और उस वक्त भी कोई मंडी नहीं गिरी थी। ठीक है भाई, इसलिए मैं आप लोगों को एक मशवरा दूंगा कि भाई आप लोग जो ना इंतज़ार नहीं करो कि मंडी गिरेगी कुछ, आप लोग आओ और जानवर ले लो। और बाकी मंडी में ट्रक्स की पोजीशन बता दें तो 11,000 प्लस ट्रक्स हो चुके हैं। ठीक है, जो कि मेरे नज़र में कम है। ठीक है भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के रेट्स वगैरह लेके आप लोग को बताता हूँ कि क्या रेट चल रहे हैं। ठीक है भाई, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो भाइयों ये देख सकते हो, माशाल्लाह चार जानवर हैं इनके पास। भाई के पास इसके रेट लेता हूँ मैं रेंडमली जाके भाई से। ये मेरे ख्याल में चारों के चारों बछड़े हैं भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है। कहाँ माल कहाँ का है बाबा? कहाँ का माल है, कहाँ से लाए हो? बावलपुर से लाए हो। अच्छा मुझे बताओ ये दांतों में क्या है बच्चा? क्या पैसा क्या मांग रहे हो? एक बीस भाई, इसके एक बीस मांग रहे हैं भाई। ठीक है भाई, दे सकते हैं। और बाबा इस वाले बच्चे के? एक पचास। दांतों में दो? ठीक है। अच्छा ये कोई लेने आता आखिरी कितने में छोड़ोगे फाइनल? भाई इसके 140 बोल रहे हैं। सही सही। तो अभी बाबा अपने पास कितने? चार ही बचे हैं जानवर? अच्छा आपके ये सारे आपके ही हैं? तो अभी कुछ बेच वेच के मतलब क्यों नहीं है, क्या सीन है अभी? बिक नहीं रहा अभी आपका? क्यों नहीं बिक रहा है, बिक रहे हैं। अच्छा मतलब ज़्यादा माल लाए थे तुम? जी। सही सही भाई, इस भाई के पास काफ़ी माल था। ठीक है, और बोलने के बेच बिक रहा है। और देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये माशाल्लाह। इसका क्या मोल है बाबा? इसका क्या मोल है बाबा? देने वाला जायज़ बताओ। हाँ 165। दांतों में दो है? छोटा माल है अपने पास? वो छोटा। हाँ आओ बाबा अपने पास। ठीक है भाई के पास छोटा माल भी दिख गया। ठीक है, इनसे लेके दिखाता हूँ। ये कुछ इससे बेहतर माल है इस बार। तो भाई ये भी अपना माल है? ये अपना माल है। दांतों में क्या है? ये दांतों में दो है। और मांग क्या रहे हो बाबा इसका? एक मांग रहा है, एक 10, एक 20। और आखिरी आके कितने में छोड़ोगे? आखिरी मुझे 1,00,000 में छोड़ेगा। 1,00,000 में बाबा? ये 75 में नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। अच्छा भाई, भाई बोल रहे हैं बिल्कुल फाइनल जो है 1 में छोड़ूंगा। बाबा माल की क्या पोजीशन है? माल है पीछे? नहीं माल पीछे नहीं है। माल नहीं है। और अभी क्या रेट वगैरह कैसे हैं? अभी ऊपर है थोड़े? हाँ ऊपर है। ठीक है भाई, और ये वाले बाबा इसके दे क्या है दांतों में? जी ये क्या है दांतों में क्या है? दो है। इसका क्या मोल कर रहे हो? किसका? इस वाली बछड़ी का। इस वाली बछड़ी का? हाँ इस वाली का 1.5 कर रहे हैं। 1.5। आखिरी आखिरी कितने में? आखिरी में 1,00,000 में छोड़ेगा। अब ये तो हल्की है, इसके तो कम में करो ना कुछ। 1,95,000 का छोड़ेगा। 1,95,000 मतलब मंडी अभी ऊपर ही है मतलब? और आखिरी में तुम लोग एंड में मतलब क्या कहते हैं ऊपर ही रहेगी? ऊपर ही रहेगा। ये बछड़ा भी अपना है? ये बछड़ा भी अपना। ये क्या दांतों में? ये 4 है दांतों। इसका क्या मोल है? इसका मोल 1,60 है। 1 से 2.60 हो गया? दो साठ है। 2.60 आखिरी कितने में रखोगे? आखिरी 2 का मैं देखोगे? 2 में रहूँगा। ये कोई 1.60 में नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है भाई, ये वाला था बछड़ा है माशाल्लाह से अच्छा बछड़ा है, हाइट में भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन भाई बोल रहे हैं कि इतने में नहीं बनेगा। ठीक है भाई, ये एक भाई का था माल, मैंने दिखा दिया आपको, मजीद आगे चलता हूँ आप लोग को दिखा दूँगा। ये भाई ये जो है ये ब्लॉक नंबर 5 भी कर कहते हैं इसको। ठीक है, कंफर्म मैं यूँ नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद कंफर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ब्लॉक 5 बोल दिया था लेकिन कुछ कह रहे हैं नहीं जनरल ब्लॉक 2 है। जनरल ब्लॉक 2 हालांकि दिखा है तो बैक साइड पे इसकी। ठीक है, लेकिन ये जनरल ब्लॉक 2 के लिए जैसे ही आप लोग अंदर आओगे ना तो ये लेफ्ट पे ही है भाई। ठीक है, ये देख सकते हो ये जानवर के पास हैं, उसके अच्छे खासे बच्चे हैं। ठीक है, आगे मजीद चलते हैं और बाकी रेट लेते हैं।
अब कुछ दिखाता हूँ मैं, सौदे वगैरह हो रहे हैं मंडी में। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये माशाल्लाह से जोड़ी भी की है, ये देखते हैं माशाल्लाह से, ये भी सौदा हुआ। कितने के लिए भाई? 1.35 का लिया है। 1.35 का, माशाल्लाह भाई, अल्लाह पाक कुर्बानी कबूल करे। ये है कि सौदे वगैरह हो रहे हैं, एक और सौदा है, ये भी दिखा देता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया? कितने का लिया भाई? 138। माशाल्लाह, दांतों में दो बेहतरीन। ठीक है भाई, ये देख सकते हैं, 1.38 में लिया है, 1,38,000 में। ठीक है भाई, माशाल्लाह, कराची कलेक्शन तो देखते हैं माशाल्लाह से सौदे हो रहे हैं मंडी में। अभी तो ये है कि अभी मैं थोड़ा अंदर था, अंदर की साइड पे ना, तो वहाँ के रेट वगैरह लिए थे मैंने। ऊपर चढ़ा रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है, ट्रैफिक भी जाम हो गया उसके। तो भाई ये बछड़े देखो, माशाल्लाह से ये अच्छे बछड़े नज़र आए थे मुझे दरमियान में। मैंने कहा इनके रेट लेता हूँ मैं, जिस दिन मैं जानवर लेने आया हूँ तो उस दिन तो इनके रेट मैं आप लोग को एक अपना आइडिया देता हूँ। ऐसे जानवरों को 70-80 मांग रहे थे, अब हो सकता है कुछ बेहतर मांग रहे हो। ठीक है भाई, पूछते हैं, बात करते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या है भाई? ठीक है, दातों में क्या ही है, क्या मांग रहे हैं इसका? 2.5। और उसके जो पल्ले खड़ा हुआ है? 2.10। देख लिया भाई, अब मुझे लग रहा है और ऊपर ही हो गए हैं। देखें इसके भी, इसके 2.5 बोल रहे हैं, इसके 2.10 बोल रहे हैं। अब देखें ये खरीद भी, मतलब कि 1.20 तक की होनी चाहिए, 1.20-1.30, वो भी मैं यूँ बोल रहा हूँ इसकी खूबसूरती है। ठीक है भाई, देख सकते हैं रेट ऊपर है भाई मंडी में, इसलिए मैं आप लोग को जैसे स्टार्टिंग में बोला है कि भाई इंतज़ार नहीं करना, चीज़ जहाँ समझ आए, 2 पैसे ऊपर ही क्यों ना हो, कुर्बानी पर नहीं देखें और उठा लें चीज़। ठीक है भाई, भाई आगे मज़ीद चलते हैं और दूसरे जानवर के रेट वगैरह लेता हूँ, और जो बिग भी रहे हैं आज जानवर जो ऐसे सोल्ड आउट हो रहे हैं उसके भी मैं आप लोग को आइडिया देता हूँ। ठीक है भाई, ये भी कुछ जानवर इनके भी रेट लेता हूँ। ले भाई, भाई ने बोलने नहीं दिया, भाई ने कहा बस अपनी ये है कि माशाल्लाह सौदा हो गया, फुल खुश थे भाई। यही होते हैं सौदे के बाद, खुशी अलग होती है। मैं अपना सीन बताऊँ तो मेरा भी बस बहुत अजीब ही सीन हुआ है रात में ना, मतलब कि जो जिस दिन मैं लेके गया हूँ, बारिश वगैरह फुल टाइम थी और बहुत बुरी हालत हो गई थी। इंशाल्लाह वो व्लॉग होगा, उसमें फुल टाइम आप लोग को बताऊँगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि वो फुल व्लॉग देखना है तो आप लोग ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह वो भी दिखाऊँगा। तो भाई ये बछड़े देखो आप लोग, ठीक है, ये कुछ बछड़े दिखे हैं मुझे, दरमियाने बछड़ा है। असल में अब मुझे लग रहा है छोटा माल जो है ना, काफ़ी जो छोटा माल होता था 50-60 वाला, इस ब्लॉक से तो मुझे लग रहा है कट ही गया तकरीबन, यहाँ पे बस ऐसा दरमियाना बचा। अस्सलाम वालेकुम, अपना माल है बाबा? सही सही, कितना डंगर लाए थे? कितना डंगर कितना लाए थे? 30। बेच नहीं है सारे? कुछ बच्चे घर, कुछ बेच गए। अच्छा कुछ है। अच्छा ये बाबा ये सामने खा रहा है, सामने पैसा क्या मांग रहे हो उसका? 2.40। दांतों में क्या है? 2 है भाई उसके, 2.40 मांग रहे हैं और दांतों में। तो बाबा कोई है अभी माल वगैरह है पीछे भी है? नहीं है माल, नहीं माल मुक जाएगा, माल कम है तो इसलिए रेट वगैरह थोड़े ऊपर हो गए। रेट नहीं ऊपर, जानवर चंगा है, जानवर चंगा है, हाँ चंगा है। 2.40 ज़्यादा है ना, कोई जाए नहीं, क्या नहीं ज़्यादा ना, खूबसूरत है ना, देखना दो दान दे खूबसूरती की। बाबा कितने बढ़ाओगे पैसे बोलो, तू ही बता भाई। मुझे ये जानवर ना 1.40 में समझ में आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं 2.40 में, तो 1.40 आती क्या 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 भाई भाई बोल रहे मैं लाख का फर्क। अच्छा हाँ भाई वाह। अच्छा बाबा ये लाल वाला के क्या मांग रहे हो? 1.80। 1.80 दांतों में क्या है? ये 2 है। सही भाई, इसके 1.80 मांग रहे और दांतों में ये 2 है। ठीक है, ये दे सकते हैं। ये मैं सही बताऊँ तो एक सौदा मेरा वहाँ रह गया था, वो भी इंशाल्लाह वीडियो में पता चलेगा आप लोग को, व्लॉग में, जो अपने जानवर का वो पीछे की साइड वैसे ही जानवर था तकरीबन। ये सफ़ेद के बाबा, सफ़ेद के पैसे क्या है? सफ़ेद के बताओ, सॉरी सफ़ेद के क्या मांग रहे हो? सफ़ेद के, सफ़ेद के हाँ 1.35। 1.35 दांतों में 2। दांतों में 2 सही। कितना माल बचा अपने पास? बस 4-5 महीने, 4-5 ही है बस, बेच के जाओगे अभी? वो तो नहीं कि मतलब ईद के, ईद ईद तक बेचोगे आराम से पैसे ज़्यादा? बस देखे लाए कहाँ से था माल अपना? कहाँ से लाए थे, कौन जिला से? बावलपुर। बावलपुर, ठीक है भाई। इसका क्या बताए थे पैसे बोलो? पैसे आपने क्या बोले थे? 1.35। 1.35 बोले। और काले वाले के पीछे जो है? 30। 30 भाई दिखा देता हूँ मैं, 1.30 बोल रहे हैं। ठीक है, इस बछड़े के 1.30 बोल रहे हैं। ठीक है भाई, ये दे सकते हैं। ठीक है भाई, भाई से नाम पूछ लेते हैं।
एक फिर चलता हूँ मैं आगे। ठीक है बाबा, नाम क्या बाबा, नाम क्या अपना? बुढ़ान। ठीक है बाबा, बाकी ये देख सकते हैं भाई के पास हैं चार जानवर। और भाई मंडी भी ऐसी सिचुएशन हो रही है अभी कि अजीब ही सीन हो रहा है, कहीं पे सौदे हो रहे हैं कहीं नहीं हो रहा। ठीक है भाई आगे चलते हैं मस्जिद में आगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन नहीं लो, फिर जायज़ क्या हो जाएंगे, नेट पे भेजूंगा। तो लाल वाले के कितने में दोगे आखिरी? 170 भाई 170 ना, बाबा कह रहे थे मेरी तस्वीर नेट पे भेजोगे, मैंने भेज दूंगा आपको, जायज़ वैसे तो बताओ 170 बोल रहे हैं। ठीक है भाई, बाकी आगे चलते हैं मस्जिद, देखते हैं मंडी की पोजीशन। ये बाकी ये माल देखो, अब एक भाई का है उससे मैं बातचीत कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई जान? ठीक है, कहाँ माल वगैरह कहाँ से लाएँ? रेमियार से। आप दोनों साथ ही हो? जी। सही सही, तो अभी माल सारा भेज दिया, बचा है कुछ? बस अभी दो बज गए। दो बज गए जी। तो वो भी अपने? हाँ वो भी हमारा, वो भी अपने भाई का है। जी सही सही, तो ये दांतों में क्या है बाबा? ये दो दांत है भाई। क्या मांग रहे हो इसका? इसका मांग रहा हूँ 90,000। 90,000 आखिर आखिर कितने में छोड़ोगे आते हो? आखिरी 80 में छोड़ूंगा। आखिरी 80 में? ये कोई 60 में नहीं बनाओगे? 60-62 नहीं, 60 में नहीं बनेगा। सही सही, अभी मंडी ऊपर है मैं देख रहा हूँ। माशाल्लाह थोड़ी तेजी है अभी। माशाल्लाह तेजी है? हाँ माशाल्लाह। भाई कह रहे हैं माशाल्लाह से तेजी है। हाँ सही जा रहे हैं, जैसा नहीं है अभी थोड़ा। हाँ पहले थोड़ा ऊपर है अभी। सही, तो ऊपर क्यों है, वजह तो कुछ बताओ। अभी माल रेट नहीं है, तुमने कहा यार बस अब खींच दो, बस इतना नहीं है ना मंडी में अभी। अच्छा अच्छा सही सही, खरीदार तो लेकिन है अब तो खरीदार माशाल्लाह आ रहा है। हफ्ते तो आ रहे हैं, जिसमें दिन में कटेगा कुछ जायज करो, बस ये है कि दांतों में। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बाबा हर किसी का यार, थक गए हम भी। दांतों में ये क्या बाबा? ये दो दांत है भाई। ये क्या बछड़ा बछड़ी है? बछड़ा है भाई। अच्छा, इसका क्या अमाउंट कर रहा हूँ? इसको मांगूंगा 1,00,000। 1,00,000, इसको आखिरी कितने में रहोगे? बस 90 में छोड़ूंगा। 90 में? ठीक है, मैं बछड़ा दिखाया था 90 वाला। ठीक है, इनके मुँह से आपने खुद ही सुन लिया कि भाई बोल रहे हैं कि माल कम है तो इसलिए रेट ऊपर है। ठीक है बाबा, नाम बता दो अपना। हमारा नाम भाई साबिर है। क्या साबिर भाई? साबिर भाई। ठीक है बाबा, आपका नाम क्या है? अल्लाह दे भाई टांग रही। अल्लाह दे भाई। ठीक है, इसका कुछ पता है मोल वगैरह? इसका एक लाख मांग रहा है। अच्छा, इसका भी 1,00,000 है। ठीक है, मैं एक आइडिया दिखा देता हूँ आप लोग को, आइडिया देता हूँ कि भाई ऐसे जानवर के भी ये 1,00,000 रुपये मांग रहे हैं। इसका बाबा एक मिनट बात सुनो, ये इतना पेट क्यों निकला हुआ इसका? घर जाने के बाद हल्का हो जाता है, खाना देता है ना बहुत। हाँ यार हम भी खिलाते हैं इतना, लेकिन इतना पेट क्यों? मतलब कौन सा पानी कौन सा पिलाया बाबा बोल रहे? पानी जो अभी लेके आता है इधर टैंकर। अच्छा जी, बड़ी बात है। इसका भी यही पैसा ही है? हाँ इसका भी, दोनों का बराबर है। सही सही भाई, ये दो बछड़ों के भी जो है इतने मांग रहे हैं एक। ठीक है भाई, चले मैं आगे मस्जिद चलता हूँ और रेट लेता हूँ। तो भाई ये बछड़ा देखो माशाल्लाह से, ये बछड़े इसके साथ ही थे जो मैंने कहा था, इसके रेट लेता हूँ। तो इसके रेट लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या हाल है? ठीक है। ये क्या दांतों में क्या है बच्चे? दांतों में? हाँ दो है। दो है भाई। पैसे क्या मांग रहे हो उसका? पैसे भाई, पैसे क्या मांग रहा है भाई? अब इसका पैसे क्या मांग रहे हो? पांच वाले, ये वाला। हाँ 1,95। 1,95। और इस वाले का? उसका 1,95। रेट वगैरह ऊपर है बाबा? मतलब बढ़ा दिया तुमने रेट ऊपर? क्या सीन है अभी माल रेट ऊपर ही रहेंगे? ऊपर रहेंगे। खुश हो तुम? तो वजह क्या है, वजह तो बताओ कोई। भाई माल कम है इसलिए व्यापारी खुश है, व्यापारी भैया क्या बोलूँ, बस छोड़ें ये कि एक आइडिया देना है बस मुझे तो। ठीक है कि इस ऐसे ऐसे के एक पहचान में मांग रहे हैं। ठीक है भाई, वो चलता हूँ मज़ीद आके रेट वगैरह लेता हूँ। बात ये है कि मंडी ऊपर है, वो देख सकते हो एक और सौदा मेरे ख्याल में हुआ है, वो एक और जानवर बिका है। ठीक है, ये कि लोग खरीद रहे हैं भाई, और आज और कल का दिन मेन है, हफ्ते तो आ रहे क्योंकि इसमें काफ़ी ख़रीदारी होती है। ठीक है भाई, नीचे उतरता हूँ, कुछ रेट वगैरह लेता हूँ। अब ये बछड़ा देखो आप लोग भाई, अच्छा माशाल्लाह से अच्छा खूबसूरत है, सिंगो वाला है। इससे भाई के मैं पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई जान? ठीक हो? कहाँ दो जानवर बचे हैं बस, क्या दांतों में क्या है ये सिंगो वाला? तो क्या पैसे क्या मांग रहे हो इसका? 1,90,000। और आखिरी कोई आता है कितने में छोड़ोगे? नहीं मैं आपका आइडिया जानना चाह रहा हूँ, एक आखिरी जहन आपका, एक आखिरी जहन है ना वो बता दो मुझे। 1,65 का बनेगा। 1,65 का बनेगा। ठीक है भाई, इसके 1,65। और बछड़े वो है बेचने की, कुर्बानी के लिए है वो? ये गाय है, बछड़ा वो गाय है ना। ठीक है ठीक है भाई, इसका बोल रहे भाई पूरा 1,65 में बनेगा। ठीक है भाई, नाम बता दो भाई अपना, नाम बता दो। मोहम्मद इमरान। कोई नंबर है अपना? जी बताओ। 0301। ठीक है। 4678। ठीक है। 716। इमरान भाई के पास बछड़ा है, बोल रहे हैं बिल्कुल फाइनल 1,65 में छोड़ूंगा। ठीक है भाई, किसी को समझ आता तो मैंने इसलिए इनका नंबर ले लिया। ठीक है भाई, आगे चलता हूँ। बड़ा पहले एक ही बचा है हमारा। ठीक है भाई, एक ही बचा है भाई के पास।
और बोल रहे हैं कि एज के जाने वाली करूँ, आगे मरिए चलते हैं रेट लेते। तो भाइयों ये माशाल्लाह से बछड़े चेक करो आप, दो बछड़े हैं बचे हैं एक भाई के पास और काफ़ी अच्छे खूबसूरत बछड़े हैं। इसके रेट वगैरह लेता हूँ मैं, ये देख सकते हो आप लोग ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जान? ठीक है जी अल्लाह का करम। माल कहाँ से लाए? माल जिला बहावलपुर से। बहावलपुर से कितना जानवर लाए थे? मैं चार ले आया था। दो बेचती हैं? हाँ। तो लाए कब? कितना टाइम हुआ? अभी दो दिन बाकी हैं। नहीं अभी किस दिन लाया था माल? मैं आया था दस दिन पहले। दस दिन पहले? हाँ जी। तो वो तो बिके नहीं वाला ये दो भी? यार इनका रेट नहीं मिल रहा। अच्छा कितने में आइडिया, इसको कितने में छोड़ना है आखिरी बता दो। मैं तो चार लाख में छोड़ूंगा। चार ऊपर नहीं है बाबा? नहीं भाई आखिरी देखे ना कितना बड़े हैं। तो बिल्कुल फाइनल चार में छोड़ोगे दोनों? दांतों में क्या है दोनों? एक छः दांत है एक चार दांत है। छः वाला ये? हाँ वो वाला छः है। ये वाला चार दांत है? ग्यारह चार दांत है। हाँ साढ़े तीन दिन के मेरे खरीद है। अच्छा ऊपर खर्चा है? सही। हाँ ठीक है भाई, भाई बोल रहे हैं कि इनकी साढ़े तीन दिन की खरीद है तो चार में तकरीबन निकालेंगे। ठीक है भाई जान शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग वगैरह पता है कोई कौन सा बताया आपको? ये जनरल टू है। जनरल टू है ठीक है भाई। देखा कोई मुझे कह रहा है पाँच टू है, इसलिए मैंने आप लोग को ये बता दिया कि पाँच कह लो या टू कह लो, तो ये जनरल ब्लॉक टू के पास जाते वक्त ही पड़ेगा। ठीक है ये वाला बछड़ा देखो आप, इसके रेट लेता हूँ भाई। दांतों में क्या है ये? दो है। पैसा क्या मांग रहे हो इसका? इसका एक अस्सी मांग रहे हो? एक अस्सी मांग रहे हो ठीक है। बाबा ये कोई आता है तो इसको बनाओगे एक बीस में तकरीबन? इतने में नहीं बनाओगे? कितने में आखिरी कितने में इरादा है? आप हुक्म करो भैया। मैंने तो बताया मतलब कोई अगर लेने आएगा तो अपना एक आखिरी जहन बता दो। हुक्म करो भैया। मैंने तो बताया ना आपको, आप ही ने बताना है ना सही दाम लगाओ। मैंने एक बीस बोला तो है, मंडी के हिसाब से जो ऊपर है मैंने उस हिसाब से बोला। नहीं नहीं मैंने कोई वो बाबा अस्सी में थोड़ी बोल दिया यार। आप बताओ तो आखिरी कितने में छोड़ोगे? एक पैंसठ में छोड़ूंगा। अच्छा भाई ये एक पैंसठ बोल रहे हैं इसके। ठीक है बछड़ा अच्छा है लेकिन एक पैंसठ इसके ऊपर हो जाएंगे यार, क्या बोल सकते हैं। बस आगे चलता हूँ मज़ीद ही मैं और रेट लेता हूँ। ये बछड़े देखो आप लोग, इसके रेट लेता हूँ मैं। ठीक है भाई ये देखते हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। क्या किसका माल है बाबा ये? हमारा नहीं है। आपका नहीं? आपका कौन सा है? आपका ये है, ये बड़ा बछड़ा अपना है। दांतों में क्या है ये? छः। क्या मांग रहे हो इसका? तीन साठ। तीन साठ। और वो जो पीछे भी जानवर वो भी अपना है? नहीं। कौन सा अपना? ये बछड़ी? हाँ जी। ये जो बछड़ी है सफेद जिसके मुँह पर थोड़ा थोड़ा है लाल उस, ये किसका क्या मांग रहे हो? एक दस। एक दस सही। इसके पल्ले जो है सफ़ेद लाल वाले? एक बीस। सही सही ठीक है भाई। इसके एक दस मांग रहे हैं। ठीक है देख लो आप। उसके अभी एक दस एक बीस मांग रहे हैं। तो भाई दिखाने का मकसद ये है कि अभी भी आप लोग ना इंतज़ार नहीं करो, जो जैसा माहौल चल रहा है ना मंडी का, मेरे नहीं ख्याल के नीचे आएगी। ठीक है बाकी लग पे अगर आप लोग को मिल जाता है तो और बात है, एक आध दुख का, लेकिन जो हाल चल रहा है ना मेरा नहीं ख्याल कि मंडी नीचे आएगी। और व्यापारियों का तो अभी तक दिमाग ऊपर ही है। बाकी मजीद चलते हैं रेट लेते। यहाँ आया हूँ मैं, कुछ बछड़े देखे थे मुझे, इनके रेट वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई जान क्या हाल है? ठीक हो? ठीक अल्लाह की। हाँ क्या दांतों में क्या है? दो भाई। ये दांतों में दो है इसके, पूछता हूँ रेट। क्या पैसे क्या मांग रहे हो इसका? पैसे क्या मांग रहे हो? ढाई लाख। ढाई लाख? और वो छोटे का? उसका? दो बीस। इसका भी दो बीस? नहीं नहीं इसका एक तीस। एक तीस वही मैं बोलूँ इसके एक तीस मांग रहे। दांतों में दो है? सही। और उसका भी तुमने इतने मांगा था? ठीक है उसके दो तीस बोले थे मैंने, छोटा का अलग बोला भी नहीं। ठीक है भाई इसके दो तीस बोल रहे हैं और इसका एक तीस। मछली भी अपनी एक छोटी का पूछते हैं रेट लेता हूँ ज़रा, ये कुछ दरमाने भी इसके भी एक बीस बोल रहे हैं। ठीक है भाई दे सकते हैं। और इसका ये वाली बछड़ी बाबा? एक चालीस। सही। ये कोई लेने आता है एक चालीस को कितने में छोड़ोगे आखिरी? एक चालीस में तुम बीस छोड़ूंगा। बीस और इसमें? इसमें दस छोड़ूंगा। सही सही। और वो जो वाला वो बछड़ा है? हाँ वो बछड़ा। उसके पैसे? वो है एक पैंतीस का। एक पैंतीस का फाइनल? फाइनल बताओ। फाइनल एक दस। एक दस ठीक है बाबा, भाई एक दस में बोलने फाइनल छोड़ दो। ठीक है बाबा नाम बता दो अपना। हक नवाज। कोई नंबर है? हाँ जीरो थ्री जीरो टू सेवन नाइन थ्री नाइन एट डबल सिक्स। ये बाइक का माल था दिखा दिया मैंने, बछड़े इनके पास से और कुछ बछड़ियाँ भी हैं।
ये किसी को समझ आया तो नंबर मैंने दे दिया है कि देख सकते हो आप लोग, सौदे हो रहे हैं। लेकिन ये है कि मंडी जो वो लोग बोल रहे थे कि गिरेगी गिरेगी यार, तो मंडी तो नहीं गिरी है। ठीक है भाई। अच्छा भाई, ये कुछ बड़े बछड़े दिख रहे हैं मुझे, ठीक है इनके रेट लेता हूँ मैं। देखते हैं, ये जो ब्लॉक हुआ करता था ये पूरा भरा हुआ होता था, अभी है कि हल्का हो गया अभी, ठीक है इसके मैं देखता हूँ ये इस बछड़े का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भजन? ठीक है दादू, में क्या है ये दो है, अभी एक निकाला एक नहीं निकाला। अच्छा, कुर्बानी होगी इसकी? नहीं होगी, क्या है अभी? कुर्बानी तो होगी। होगी क्या? पैसा क्या मांग रहे हो? ओहो, 2-10। बाबा इसका बड़े वाले का? इसका 2-80। दांतों में क्या है ये? चार है वो वाला सफेद, चार है। पैसा? 3,10,000। तो अब अभी रेट वगैरह मतलब क्या सुना था एंड में कुछ बेहतर होगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं? कोई क्या मसला है इसका? रेट ऊपर क्यों है अभी? जी रेट ऊपर क्यों है? कुछ महंगाई बहुत है ना, क्या करें। अच्छा नहीं, अभी तो देखो ना, ऐसे इस जानवर के भी 2-10 मांग रहे हो आप, कुछ थोड़ा बहुत तो मुनासिब करो भाई यार। रेट भी पानी भी नहीं मिल रहा। अच्छा, उसके बाद तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ पानी अगर नहीं मिल रहा दे के जाओ जल्दी, ख़त्म करो माल फिर ईद मनाओ घर पे। वो तो बाबा है, क्या करें अब। ठीक है भाई, चलें भाई आगे चलता हूँ मैं। ठीक है यहाँ पे। अच्छा दो भाई, पाँव लग गया यहाँ पे कीचड़ में, यहाँ ये बड़ा मसला हो रहा है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं और मज़ीद रेट वगैरह लेते हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो, बस चलते चलते बना रहा हूँ ये, जिसपे एक और सौदा हुआ है माशाल्लाह से, रेट नहीं पता मुझे अभी सौदे की गई। तो भाई वो मंडी की पोजीशन बता देता हूँ मैं, ये दे सकता हूँ। मंडी है कि हल्की हल्की खाली हो रही है, और आज हफ्ता इतवार है, सैटरडे नाइट भी है, आज लोग आएंगे और कल सुबह से लेकर रात तक। ये कि अब बस 3 दिन रह गए, और मंडी में माल की पोजीशन ये 11,000 प्लस ट्रक्स क्रॉस हुए हैं, हालांकि लास्ट टाइम जो है 13,000। ठीक है, तो ये है कि आप लोग को मैं ये कहना चाहूँगा कि मंडी में इंतज़ार ना करो आप लोग, और जैसा माल मिल रहा है अभी, मतलब कि जिन पैसों में मिल रहा है अभी ना, वो मुझे लग रहा है कि 2 दिन बाद से डबल हो जाएगा। ठीक है, जो 2 दिन पहले मैं माल लेके गया हूँ ना, उसके डबल डबल पैसे मांग रहे हैं, मतलब मांग तो उससे भी ज़्यादा रहे हैं, लेकिन वो दे भी उस पैसों में डबल में रहे। ठीक है, तो आप लोग ये कहना चाहूँगा जल्दी जल्दी आओ और जानवर उठा लो, और इस ब्लॉग से अगर मिलता है तो इस ब्लॉग से देख लो। ये कि पीछे भी मैं आज गया नहीं हूँ, पीछे भी बड़ी बुरी हालत थी उस दिन जैसे मैंने जानवर लिया अपना। इंशाल्लाह अपने जानवर का भी फुल ब्लॉग जो है रेट के साथ जो है इंशाल्लाह डाल दूँगा इंशाल्लाह एक आध दिन में। बाकी ये कि ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई, पसंद आई हो तो बता दीजिएगा इंशाल्लाह। कोशिश मेरी यही होगी कि अभी जितने आखिरी दिन रह गए हैं, रोज़ एक ना एक वीडियो तो कम से कम कवर करूँ। ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर देगा। एक और नई वीडियो के साथ आ जाऊँगा, जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।